कैशपोर कंपनी धारा 25 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट यानी गैर लाभकारी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो सदस्यों की गरीबी दूर करने के लिए आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य रखती है। ये कंपनी 20 वर्ष पूर्व कुछ ही मुट्ठी भर गरीब महिलाओं की मदद करती थी, लेकिन आज करीब 10 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को सेवाएं प्रदान कर रही है। कैशपोर की सोच है कि वे सभी लाभार्थी जो कैशपोर के जिम्मेवारी के क्षेत्र में सहायता लेती हैं, उनकी और उनके परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाना है और साथ ही उनके परिवारों का स्वास्थ्य और बच्चों को स्कूल भेजना शामिल है। इसके साथ साथ कैशपोर का उद्देश्य उन सभी गाँव की महिलाओं की पहचान करना है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उन्हें सही समय में ईमानदारी और बेहतर तरीके से जरूरी आर्थिक और जरूरी स्वास्थ्य शिक्षा देना है। कैशपोर अपने गरीब परिवार के सदस्यों का चुनाव दो तरह के मापदंडों से करती है। पहला, कैशपोर हाउसिंग इंडेक्स यानी CHI के द्वारा घरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आधार पर उनका आकलन करते हैं, जिसमें घरों की दीवार की ऊंचाई तथा छत की प्रकार सम्मिलित है। वे घर जिनका कैशपोर हाउसिंग इंडेक्स में 4 या 4 अंक से कम आते हैं, वे ही कैशपोर के योग्य सदस्य होते हैं। दूसरा मापदंड, प्रोग्रेस आउट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स PPI, जहां 10 सवालों की प्रणाली भरवाई जाती है और वे परिवार जो 29 या 29 अंक से कम अर्जित करते हैं, कैशपोर के सदस्य बनने योग्य होते हैं। कैशपोर सबसे गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में संचालित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, बिहार के कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, बुंदेलखंड के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश में आते हैं, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के हिस्से में कार्य कर रही है। कैशपोर की सदस्या भगमतिया की कहानी सही मायने में बहुत ही प्रेरणादायक है। कैशपोर के द्वारा दिए गए सहयोग भगमतिया की दृढ़ता से आज भगमतिया ने अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदली है। घर में हालत था कि हम लोग सारी परिवार बेचैन रहते थे, लकड़ी पत्ता काटते रहते थे, दूरा में चाहते थे कि दुगो माल जाल रखते हैं, बकरी पटरू रखते हैं, तो खाते कमाते में हम लोग के नहीं जुटता था, नहीं माल जाल दूरा में चढ़ता था, कोई विकास भी नहीं हो सकता था। बेटा बेटे की न कॉपी जुटता था, न किताब जुटता था, न कपड़ा जुटता था, दिक्कत में ही रहते थे। और इसका में जुटने से सुख पूर्ण हुआ कि सांस बरकत मिला कि बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, दूरा में माल जाल भी है, बाल बच्चा भी दूध दही खा लगे छछा रहा था तो खा रहा है, आराम से पी रहा है, पढ़ रहा है, हम भी आराम से हैं। बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के कांडी गांव की रहने वाली सदस्या कमोदवा न केवल कैशपोर की आर्थिक रूप से लाभार्थी रही है, बल्कि उसके बच्चे आज कैशपोर शिक्षा अभियान कार्यक्रम से लाभान्वित हैं। पहले मानो कुछ नहीं था, अल्लाह ने तो कुछ धीरे धीरे अल्लाह की तरफ बढ़ा रहे हैं। बच्चों के लिए तो सपना है कि तनी हमको बच्चों के बढ़िया से रखते, घर द्वारा पका उका के तनी बनाए तो बाल बच्चा के लिए ठीक से रहते हैं, आए के हमको नाव निशानी चलता कि ना बाप माँ है तो इतना बना दिया है, ये के चलते हम सोच रहे हैं। बनारस जिला उत्तर प्रदेश के सरहरी गाँव की रहने वाली साधारण सदस्या जमुना की असाधारण कहानी है, जिसमें जमुना और उसके परिवार की जिंदगी पर कैशपोर ने एक गहरी छाप छोड़ी है। 2000 हम पहले उठाए तो हमारे पति वो लकड़ी खिलौना बनाने थे तो लकड़ी चिरवाए, तो फिर उसी से आगे थे बड़ा हाथ, तो फिर हाथ अंडस में आ गया, तो फिर हम 15,000 उठाए, फिर उससे थे दुगनी लकड़ी चिरवाए, फिर औजार पार्ट भी खरीदे, तो फिर उसी से काम किए। माँ बाप का तो हर एक सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, अच्छे कोई काम करें, जिससे माँ बाप को भी गर्व हो कि हाँ हमारे बच्चे हैं। इसके बावजूद एक अच्छी साझेदारी हर तरह के आर्थिक संस्था के साथ गरीबी जैसे उन्मूलन की जिम्मेदारी आसान नहीं है। हाल ही के कुछ साल कैशपोर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं, और इस मुश्किल भरे समय में ज्ञान के सुविज्ञ, अनुभवी और प्रतिभाशाली नेतृत्व वाले प्रोफेसर डेविड गिबन्स कैशपोर के प्रकाश के रूप में सामने आए। We are trying to cover... हम अपने सदस्यों की अगले 3 साल की सभी आर्थिक जरूरतें पूरी करने की योजना पर काम करते हैं। उन्हें किसी खास चीज के लिए ऋण देने के बजाय हमारे केंद्र प्रबंधक कैशपोर के सदस्यों से जाकर मिलते हैं और पूछते हैं कि आपकी आय को कैसे बढ़ाया जाए और कैशपोर आपकी कैसे मदद करे, आपके परिवार में क्या समस्याएं हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो पढ़ाई में कैसे हैं, क्या उन्हें किसी ट्यूशन की जरूरत है, हम उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आपकी बेटी की शादी है
और आप हमें पर्याप्त समय दें तो हम कैश पावर से यथासंभव सहायता कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती पाइपलाइनिंग की रहती है। अगर हमारी कैश पावर की सदस्य अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो वो अपना ऋण कुछ ब्याज में दूसरे सदस्य को दे देती हैं। और अगर वो दूसरी सदस्य कैश पावर की सदस्य नहीं है तो हमारे लिए पैसे को वापस लेने में मुश्किल होती है। हमें तो यह भी नहीं पता होता कि वो है कौन। हमें पाइपलाइनिंग की इस चुनौती का गहराई से अध्ययन करना होगा और शुरू में ही इस बात का पता लगाना होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की महिलाओं को ऋण न दिया जाए। कैशपोर की नीति गरीबी उन्मूलन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, जिससे सदस्य के बच्चे अपनी खुद की गरीबी से स्वयं को उबार सके। स्वास्थ्य और पढ़ाई की सेवा जैसे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, पेंशन नीति, स्वास्थ्य ऋण, स्वास्थ्य जल, वयस्क ज्ञान, परिवार के सदस्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आदतों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना, ताकि सदस्य अपनी गरीबी से बाहर आ सके। स्वास्थ्य हमें हमारे सदस्यों की आर्थिक सहायता पर सबसे अधिक असर डालने में मदद करता है, और हमने जो प्रगति हासिल की है, शिक्षा उसे बरकरार रखने में मदद करती है। भारत में वेतन भोगी रोजगार के लिए 12वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर सदस्यों के बच्चे 12वीं पास नहीं होते हैं तो वो अपने माता पिता की गरीबी रेखा से नीचे की जगह ले लेंगे। हम एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाने वाली गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ बच्चे 10वीं पास कर जाएं, जिससे कि हम उन्हें ICICI और प्रथम संस्था के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा दिलवा सकें। कैशपोर महसूस करता है कि उनके फील्ड कर्मचारी हर एक गरीब के पास पहुंचे। कैशपोर के अलग अलग विभाग के कर्मचारी भी कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अग्रसरित हैं, और सब के सब एक ही तरीके से उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़ते हैं। कैशपोर अपने फील्ड कर्मचारी के लिए रहने की व्यवस्था और खाना बनाने का बंदोबस्त भी प्रदान करता है। कैशपोर अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है और कर्मचारियों को बोनस प्रदान करता है। इसके अलावा MFI क्षेत्र के सभी कंपनियों की तुलना में अच्छा वेतन देती है। इसी वजह से पिछले कई सालों से माइक्रो फाइनेंसिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों और मुख्य अधिकारियों ने कैशपोर से नाता जोड़ा है, जिससे कि ये भारत में गरीबी दूर करने में सहयोग कर सके। मैं माइक्रो फाइनेंस में पूर्णतः यकीन करता हूँ, जो लोगों की जिंदगी बदलता है। प्रोफेसर गिबन्स ने इसे एक अलग मुकाम दिया है। एक बार उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि क्यों उन्होंने चाइना की बजाय भारत को चुना, और हम खुद को इसके लिए भाग्यशाली समझते हैं कि उन्होंने हमें चुना। प्रोफेसर गिबन्स 1998 में उस समय के सबसे कठिन इलाके में आए। उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई भी दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं आई थी। प्रोफेसर गिबन्स अक्सर मुश्किल इलाकों में जाते हैं जहां गरीबों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, और साथ ही कैशपोर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यानी बिना किसी मुनाफे की कंपनी थी। प्रोफेसर गिबन्स सभी मायनों में एक इंसान के रूप में या एक मार्गदर्शक के रूप में एक बेहतरीन इंसान है, और जब मैं कैशपोर से जुड़ा तो ये मुझे बहुत शानदार लगा। कैशपोर से जुड़ने के बाद मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। It was fantastic. I mean, it has been a true blessing to my life. कैशपोर की अनुकरणीय काम के प्रति विचार और ऑपरेशन के ऊंचे मापदंड उसे MFI सेक्टर यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में खुद को पूर्ण रूप से स्थापित करती है। कैशपोर इंडसइंड, IDBI, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक से प्रमाणित सहयोगी की तरह कार्य कर रही है, और इसके साथ ही कुछ अन्य सामाजिक ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे कि दिया विकास फॉर अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल और होल प्लैनेट फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करती है। गिवन देयर एक्सपीरियंस एक्सपोजर, प्रोफेसर गिबन से हमें अनुभव, दिशा और साथ ही पारदर्शिता मिली और कंपनी के चलन की तहजीब मिली, जिसमें हम उनके साथ बतौर बिजनेस साथी के रूप में जुड़े। मैं एक और बात इस क्षेत्र में जोड़ना चाहूँगा, तकनीक, टेक्नोलॉजी। कैशपोर की तकनीक बहुत ही सरल है। बिना किसी कठिनाई के हम बहुत ही सरल तरीके से कुछ भी सुधार या बदलाव अपने सिस्टम में कर सकते हैं और मार्केट के उम्मीदों में खरा उतरते हैं। टू मीट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट, दे हैव अ
adopted new models banking. कैशपोर ने एक नया प्रतिरूप अपनाया है जिसमें वो न सिर्फ अपने सदस्यों को आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि बैंकर के ऋण भी बांट रहे हैं जिससे कि गरीब सदस्य को आखिर में मदद मिल रही है। कैशपोर सिडबी के उद्देश्यों को मद्देनजर रखता है। कैशपोर अपने उद्देश्यों के साथ अपने विकास की ओर आगे बढ़ रही है। कैशपोर अपने कामों को एक पेशेवर तरीके से करती है। थर्ड दे हैव डन थिंग्स वेरी वेरी प्रोफेशनली। मुद्रा सिडबी का आर्थिक सहयोगी है और सिडबी कैशपोर का आर्थिक सहयोगी है जो शुरुआत से ही कैशपोर के साथ बतौर सदस्य काम कर रहा है और हमारा सबसे पुराना सदस्य है। कैशपोर शुरुआत से ही एक नीति विषयक संस्था रही है जो अपने उद्देश्यों में लगातार काम करने में जुटी है। कैशपोर के अपने सदस्यों के साथ शुरुआत से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आज कैशपोर एक बहुत अच्छे तरीके से सभी बैंकों और हिस्सेदारों के साथ काम कर रही है। बैंक को कैशपोर पर आज बहुत ज्यादा भरोसा है और यही कारण है कि आज हमारे संबंध कैशपोर के साथ लंबे समय से हैं। Of our long association with the Cashpoor. During the demonetization period, नोटबंदी के दौरान कैशपोर के लिए आर्थिक सहायता की पूंजी सदस्यों से वसूल करना आसान नहीं था, पर कैशपोर की वसूली अपने सदस्यों से 100% थी, जबकि जहां पैसे की कमी की वजह से देश में वसूली की प्रतिशत काफी नीचे गिर रही थी। इससे ये पता चलता है कि कैशपोर बहुत अच्छे तरीके से अपने सदस्यों और साथ ही साथ आर्थिक नीति को संभालती है। Managing its clients as well as its financials. We found Cashpoor. हमने पाया कि कैशपोर बहुत प्रभावशाली है। कैशपोर के लोग अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत केंद्रित हैं। कैशपोर की कार्यशैली बहुत अच्छी है, इसलिए हमने कैशपोर को अपना पहला सदस्य चुना और कैशपोर हमारे माइक्रो फाइनेंस व्यवसाय में इंडसइंड बैंक का मुख्य और बड़ा सहकारी सदस्य है। हमारे आर्थिक संबंध कैशपोर से बहुत ही मजबूत है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा विकास लगातार इसी प्रकार चलता रहे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम तकनीक में निवेश करें और उसे कैशपोर से जोड़े ताकि हम हमारे बाकी बैंकिंग के प्रोडक्ट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस कैशपोर के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराएं। हम कैशपोर की बाकी गतिविधियों में भी सम्मिलित रहते हैं जैसे सामाजिक गतिविधियां, ताकि हम मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर सकें। भारत में लोगों की शिक्षित करने का, उन्हें सशक्त करने और उन्हें गरीबी से ऊपर लाने का ये उद्देश्य कैशपोर के अंतहीन प्रेरणा के स्रोत है। आज कैशपोर सराहनीय काम कर रहा है और उसे और भी बेहतर बनाना चाहता है। मेरा आखिरी उद्देश्य ये साबित करना है कि मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट सोच गरीब लोगों की मदद करने और गरीबी से बाहर लाने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। अगर हम ये करते हैं तो मुझे यकीन है कि और लोग भी मेरे साथ आएंगे। गरीबी से निपटने के लिए दृढ़ निश्चय और सरकार, सामाजिक निवेशकों और बैंकों के सहयोग की जरूरत होती है। कैशपोर ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने की मुहिम में उन सभी संस्थाओं को जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। ग्रामीण भारत के पास खुद विकसित और सशक्तिकरण करने के लिए जबरदस्त क्षमता है। निर्माण उद्योग, योग्यता का विकास और लोगों की शिक्षा को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कैशपोर का लक्ष्य उन सभी भारतीयों की उम्मीद, सपने और पीढ़ियों की महत्वाकांक्षा को पालना है, ताकि वे उठें और अपने जीत के लक्ष्य के साथ भारत को एक सुनहरे कल की ओर आगे बढ़ा सकें, जहां निष्पक्षता और समानता दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र 127 करोड़ जनसंख्या में प्रतिष्ठित हो।